निर्दलीय क्यों नहीं लड़ सकते, हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। जो मेरा समाज मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी लगाएगा, मैं उसको आखिरी दम तक आखिरी सांस तक निभाने का प्रयास करूंगा। हमें थोड़ा सा अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। आज बीजेपी से बाहर हैं और समाज के बीच में, तो हम समाज की बात करेंगे, समाज का काम करेंगे। 36 बिरादरी का भाईचारा अगर मेरे को एक साथ देगा तो बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। 200% चुनाव लड़ेंगे। सांकेतिक 2 दिन का धरना दे दिया था, उसके नियमित 6 वर्ष के लिए हमारे पूरे साथियों को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। नमस्कार, फिलहाल जो आप देखने लग रहे हो HR धमाका न्यूज, मंजीत चौहान रतिरिया के साथ में इस टाइम लाइव जुड़ रहे हो, और उसी के साथ में जो हमारे अंकल जी भी है नील चौहान जी हमारे साथ में इस टाइम में लाइव जुड़ रहे हो, और लगातार आपने देखा बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे और अभी फिलहाल भी जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए, तो इनसे खास बातचीत करते हैं। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, वंदे मातरम साथी। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो फिलहाल जो है मतलब आप भी अभी बीजेपी में हो या आपने जो है त्याग पत्र दे दिया बीजेपी पद से? मैं भारतीय जनता पार्टी का 26-27 साल पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ, और यहाँ के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर धुप्पड़ और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ में हमारे आपसी विचार ना मिलने के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि पूर्व बीजेपी ने सांकेतिक 2 दिन का धरना दे दिया था, उसके नियमित 6 वर्ष के लिए हमारे पूरे साथियों को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब हम सब मिलके समाज हित का और समाज का काम करते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। तो वो मान्यता है भाई कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो है आपकी अनदेखी भी हुई है? अनदेखी, जब बीजेपी से बाहर हैं तो इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, कोई अतिशोक्ति नहीं है। आज बीजेपी से बाहर हैं और समाज के बीच में, तो हम समाज की बात करेंगे, समाज का काम करेंगे। तो फिलहाल जो है हम अगर बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर के भी, आपका नाम जो है काफ़ी जो है ना तेज़ी से वायरल हो रहा है भाई, सुनील चौहान जो है तोसाम विधानसभा से निर्दलीय तौर के ऊपर भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव वो शख्स लड़ता है जिसके साथ में उसका परिवार हो, उसका गांव हो, उसका समाज हो, और 36 बिरादरी का भाईचारा हो। अगर मेरा समाज, मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे अपने 36 बिरादरी का भाईचारा अगर मेरे को एक साथ देगा तो बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। 200% चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय क्यों नहीं लड़ सकते, हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक हमारे बातें सामने आ रही है कि भाई भिवानी में राजपूत समाज ने भी आपके कंधों के ऊपर जो है चुनाव का वजन डाल दिया है, मैं इसको वजन नहीं बोलता। जो मेरा समाज मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी लगाएगा, मैं उसको आखिरी दम तक आखिरी सांस तक निभाने का प्रयास करूँगा। तो भाई फिलहाल तो आप देखने लग रहे थे HR धमाका न्यूज मंजीत चौहान रतिरिया के साथ में, और वही हमारे जो है तोसाम विधानसभा से हमारे अंकल जी जो है सुनील चौहान ने भी एक मजबूत दावेदारी सौंप दी है, और वहीं पर राजपूत समाज ने भी एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है सुनील चौहान जी को, और चुनाव मैदान में उतारने के लिए लगातार जो है संपर्क बना हुआ है सभी समाज के वर्गों से। तो उनका जो है साफ साफ कहना है भाई सुनील चौहान को जो है अब की बार निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो मैदान के उतारे गए। तो साहब क्या करना आपका? ऐसा है भाई साहब, आज समाज की जो मीटिंग हुई है उसमें यही फैसला लिया गया है भाई, यदि राष्ट्रीय पार्टी यदि किसी को टिकट देती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, अदरवाइज इस बार हम अपना राजपूत समाज की जो ताकत है उसको जरूर आजमा के देखेंगे। जहाँ पर भी हमारे राजपूत बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ से हम करीब करीब पूरा हरियाणा के अंदर 20-25 सीटों के ऊपर अपने राजपूत दावेदारी ले रहे हैं, जिसमें तोसाम और भिवानी भी है, और हमारे जो सुनील भाई है उसने भी इस बात के लिए हामी भर दी है। यदि कहीं से उसको मौका मिलता है, यदि समाज उसका साथ देता है, तो निर्दलीय तौर पे भी अपनी दावेदारी ठोकेगा, और हम चाहते हैं कि हमारे समाज को इस बार विधानसभा में बिल्कुल हल्के से न लिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टियाँ जो दो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं जो अपने आप को सोचती है कि सरकार हमारी आएगी, लेकिन इस बार हम दावा कर रहे हैं कि इस बार क्षत्रिय समाज आगे बढ़ करके अपना हक लेकर के आएगा। यदि उन्होंने दिया तो ठीक है, अदरवाइज निर्दलीय हो या छोटी पार्टी हो, उनके द्वारा हम विधानसभा का इस बार रुख करेंगे।
तो परमार साहब आप क्या कुछ करना चाहते हैं? तो आप जिस तरह विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस प्रकार राजपूत समाज के अंदर जो है लगातार दावेदारी बढ़ने लग रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो उसमें सिंपल यही कहना है कि जो कैंडिडेट है उसको आगे आना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। बिना शक्ति प्रदर्शन के हम सीनियर जो लीडर होते हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं या जो चंडीगढ़ में बैठे हैं, चाहे जो पार्टी प्रेजिडेंट है, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। अब ये जैसे मीटिंग हुई है, छोटी सी मीटिंग है, ठीक है, इसका थोड़ा पेपर में आ जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन जब तक एक जो सरपंच ने जो बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है, हमें थोड़ा सा अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। जो नेत्रपाल जी का जो है वो यही है कि हम अलख जगा रहे हैं कि ये जो सोया हुआ समाज है ये जाग जाए और एक बार ये अपना पुराना इतिहास दोहराने के राह पे चल पड़े, तो हमें कामयाबी मिलेगी। अन्यथा जहाँ थे हम वहीं रह जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा।